अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऑनलाइन सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट का बताऊंगा। ये हर्बल प्रोडक्ट है और इसको जो भी लोग सेल कर रहे हैं वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम ओपन कर लें, आप फेसबुक ओपन कर लें, आप कोई भी सोशल मीडिया ओपन कर लें, आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सेल होती नज़र आएंगी वो फैशन से रिलेटेड हैं। और इसके अंदर जो चीज़ सेलेक्ट करनी है आपने वो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा सेल होती हैं। आप हेयर ऑयल बना सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सेल होता है और इसके अंदर प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। आप अपना हर्बल कोई भी नुस्खा सिलेक्ट करते हैं, घर के अंदर बनाते हैं, मेहनत करते हैं, आपको सिला भी ज़रूर मिलता है। उसके अंदर आपको 400-500 या 300 जितना भी आप बचाना चाहें, जितनी खालस और अच्छी चीज़ बनाएंगे आपको आसानी से प्रॉफिट बच जाएगा। उसके अंदर ये भी मसला नहीं होगा कि आपने बाज़ार जाना है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, आज मिलती है कल को महंगी हो जाती है। ये आपकी खुद की प्रोडक्ट होगी, खुद का ब्रांड होगा, इसके अंदर आप अर्निंग भी अच्छी खासी करेंगे। तो कैसे लोग कर रहे हैं, आपने क्या करना है, मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं YouTube से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और बहुत से अर्निंग से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ, आसान से मेथड आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपने क्या करना है कि कोई भी इंटरनेट से नुस्खा देख लें, किसी भी आपको बुक को डाउनलोड कर लें, PDF बुक्स आपने हिकमत से रिलेटेड डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पे हज़ारों सालों के या कई कई 100 साल पुराने अच्छे नुस्खे आपको मिल जाते हैं। वैसा आपने किसी भी पंसारी के पास जाके नुस्खा लेना है और बना लेना है। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट तैयार करनी है, आम शीशियों के अंदर आप उसको भरें और सेल करें, ऑनलाइन सेल करें। आप इसे यूट्यूब पे सेल कर सकते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आपने मुख्तलिफ पिक्चर्स लगानी है। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि आजकल शॉर्ट वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, चाहे आप यूट्यूब पर अपलोड कर लें, फेसबुक पर कर लें, इंस्टाग्राम पर कर लें। शॉर्ट वीडियोज़ आप अपलोड करेंगे, अपना नंबर देंगे, प्रोडक्ट को आप दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सेल होगी। तो फ़र्ज़ करें आपकी रोज़ की 2-4 भी प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं तो 1000 से 1500 रुपया आसानी से आपकी अर्निंग हो जाएगी। फेसबुक पे इस तरह से लोग सेल कर रहे हैं कि अपना पेज बनाते हैं और उसको एड चला देते हैं, बूस्ट कर देते हैं। तो बूस्ट करने से ये होता है उनकी एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट उन्होंने सेलेक्ट की होती है, उन्होंने एक बजट रखा होता है। फेसबुक पे ऐसे लोग एड चलाते हैं, डेली की 500-1000 रुपया बजट रखा होता है। अगर वो 500-1000 रुपया बजट रखते हैं तो 2-3 हज़ार की वो अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर लेते हैं। तो इस तरह से अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, आप भी ये ज़रूर कर सकते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है और इसकी ये भी वजह है कि लोग हर्बल खालस चीज़ें ढूंढते हैं जो कि कहीं नहीं मिलती। अगर एक बार आप कोई अच्छी चीज़ बना लेते हैं तो आगे से जिसको पसंद आएगी वो 10 लोगों को बताएगा कि ये मैंने चीज़ खरीदी है और ये अच्छी है। तो इस तरह से आपकी मुफ्त में मार्केटिंग होती जाएगी। स्टार्ट के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ लोगों से आप कॉन्टैक्ट करें और इसके अलावा आप फेसबुक पे ऐड भी चलाएं। थोड़ा बजट रख लें, 200-300-500 आप रख सकते हैं और उसके बदले में आपको अर्निंग भी होती जाएगी। तो ये ऐसे काम हैं जिनसे आप लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। एक बार आपने अपना ब्रांड बनाना है फिर आपकी इनकम ही इनकम है, आपको सिर्फ बैठ के एडवर्टाइजमेंट करनी है। आपकी एक बार प्रोडक्ट तैयार होगी, आपने सिर्फ इसको लोगों के घर ही भेजना है। वो ऑनलाइन कंपनीज हैं जैसे TCS वगैरह, लैपर्ड वगैरह, वहाँ से आपने कॉन्टैक्ट करना है उनसे, आपने कैश ऑन डिलीवरी पे वो चीज़ सेंड कर देनी है। तो इस तरह से आसान सा तरीका है, घर बैठे ये काम है, कोई इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या कोई भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है कि आप पैसे लगाते हैं उसके बाद आपका नुकसान हो गया या फिर कोई फ्रॉड, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। खुदा हाफिज़।